Hello friends, now we are discussing the question number 7th of exercise 6.4. इसमें हमें प्रूव करना है जो एरिया होगा ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल। कहने का मतलब ये है, अगर ये कोई स्क्वायर है और इसके एक साइड पे अगर कोई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, लेट्स से वन है, और कोई दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि इसके डायगनल से बनेगा, है ना, तो इन दोनों का जो एरिया होगा उसमें जो साइड से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है वो हाफ होगा जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है आपके डायगनल से। ओके, तो ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। लेट्स सी कैसे होती है, देखते हैं। स्टेप नंबर वन, मैं एक ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैं एक ऐसा स्क्वायर लेता हूँ जिसकी सारी साइड्स ए ए और ए और ए हैं, है ना। मैं एक ऐसा स्क्वायर लेता हूँ जिसकी साइड्स ए हैं, तो अगर ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी अगर सारी साइड्स, ये जो आपका स्क्वायर है ए बी सी डी, अगर यहाँ पे सारी साइड अगर आपकी ए हैं, तो जो इसके ऊपर जो ये ट्राइंगल बैठा है, इसके ऊपर एक जो ट्राइंगल बैठा है यानी ए पी बी, डोंट यू थिंक इस ए पी बी में भी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस ट्राइंगल ए पी बी की भी हर साइड, ईच साइड जो भी होगी वो ए हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर भाई ये ए है तो ये भी तो ए और ए होंगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इस लॉजिक को याद रखिएगा प्लीज़। दूसरा, अब उसने कहा है कि आपका एक और ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है और वो बन रहा है इस बाय डायगनल से, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अब हमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मुझे इस डायगनल को फाइंड करना होगा। ओके, सो अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है तो ये अगर डी बी डी सी बी है और ये अगर ए और ए लेंथ है, है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे डी सी मतलब ए स्क्वायर, बी सी मतलब ए स्क्वायर, दोनों का मतलब टू ए स्क्वायर, और यहाँ पे जब अंडर रूट हट जाएगा तो आपके डी बी का वैल्यू आएगा रूट टू ए। यही सेकेंड स्टेप में लिखा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, अब डायगनल बी डी का लेंथ निकाला जो कि रूट टू ए हुआ, है ना। अब अगर भाई डी बी रूट टू ए है, अगर डी बी रूट टू ए है तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, तो जो ट्राइंगल डी क्यू बी होगा उसकी भी हर साइड रूट टू ए हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो अगर ये रूट टू ए है तो ये भी रूट टू ए हो जाएगा और ये भी टू रूट ए हो जाएगा, या ए रूट टू, कुछ भी लिखिए, ये वाला ट्राइंगल, है ना। सो अब क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दी फॉर्मूला, है ना, और यह हम एक डिफरेंट मैथड से करते हैं। दिस टाइम आई एम अप्लाइंग अ डिफरेंट मैथड। लेट्स से पी ए बी और डी क्यू बी आपके सिमिलर हैं, यू नो वाई, बिकॉज ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, और जैसे ही ये सिमिलर हो गए तो आपका जो एरिया होता है ट्राइंगल्स का, उसका रेशो किसके बराबर हो जाता है, साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर। तो लेट्स से यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू बी लिखा हमने, ए बी अपॉन क्यू बी, ए बी का वैल्यू आपका क्या था, ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू बी का वैल्यू क्या था आपका, टू रूट ए, तो यानी यहाँ पे ए रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर यानी टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपका बचा हाफ। ओके, और जब आपने फाइनली इस एरिया ऑफ डी क्यू बी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया इसके साथ यहाँ पे, तो डायरेक्टली आपका ये रिलेशन आ गया, और हमें यही प्रूव करना था कि जो एरिया होगा पी ए बी का, जो कि स्क्वायर के एक साइड से लगा हुआ है, वो हाफ़ है क्यू बी डी के, जो कि
डायगनल से ड्रॉ हुआ है। थैंक यू।